वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी स्टूडेंट्स, आज हमारी प्रीपोजिशंस की क्लास 2 है और आज हम स्टडी करते हैं प्रीपोजिशन आफ्टर का। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रीपोजिशंस के जो वर्ड्स होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। अब एग्जांपल देखिए, मदर इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, मदर ने आपकी हेल्थ के बारे में इंक्वायरी की थी। अब आप देखिएगा यहां पर योर हेल्थ और इंक्वायर के जो बीच का रिलेशन है वो किसके द्वारा शुरू किया जाए स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन आफ्टर के द्वारा। और यहां पर क्या मीनिंग आफ्टर का, के बारे में। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, दिस बाइसिकल इज आफ्टर माय हार्ट, ये बाइसिकल मेरी मन पसंद है। तो माय हार्ट और बाइसिकल के बीच का जो रिलेशन है वो यहां पर प्रीपोजिशन आफ्टर के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, शी केम आफ्टर द फंक्शन वॉज ओवर, वो आई थी कब, जब फंक्शन खत्म हो गया था। तो यहां पर यानी कि फंक्शन के खत्म होने के बाद पे, तो यहां पर जो प्रीपोजिशन आफ्टर है वो किन दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बता रही है, यहां पर देखिए केम और फंक्शन के बारे, फंक्शन का जो बीच का रिलेशन है उसको शो किया जा रहा है प्रीपोजिशन आफ्टर के द्वारा। और यहां पर जो मीनिंग आफ्टर का वो है बाद में। नेक्स्ट आप देखिए, यस इज आफ्टर अ जॉब, यस एक जॉब की तलाश में है। तो यहां पर जो आफ्टर का मीनिंग है वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज तलाश में, खोज में, दैट इज सी। नेक्स्ट आप देखिए, आफ्टर ऑल माय केयर इट वाज ब्रोकन, अब ये जो ये फ्रेज है आफ्टर ऑल माय केयर, और इसका मीनिंग है यहां पर क्या, मेरी सारी केयर के, आफ्टर ऑल माय केयर, मेरी सारी केयर के बावजूद वह तोड़ दी गई, इट वॉज ब्रोकन, उसे तोड़ देगा। तो अब आप देखेंगे यहां पर जो आफ्टर का जो मीनिंग है यहां पर वो क्या आ रहा है, जो मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ का, दैट मींस के बावजूद। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिए, वी नेम्ड द बेबी गुरु आफ्टर हर ग्रैंडमदर, हमने बेबी का नाम रखा था गुरु, किसके नाम पर, आफ्टर हर ग्रैंडमदर, उसकी ग्रैंडमदर के नाम पर। तो यहां पर जो मीनिंग है आफ्टर का वो क्या है, के नाम पर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये प्रीपोजिशन आफ्टर के मेन यूजेज है और ये हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।